स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल MS Gill Infotainment में। आज हम श्री गुरु नानक देव जी की करतारपुर पवित्र शहर जन्म साखी सुनेंगे। गुरु नानक ने रावी के तट पर करतारपुर नामक एक आश्रम की स्थापना की, जो निर्माता करतार के नाम पर है। गुरु साहिब ने तलवंडी को प्राथमिकता देने के लिए इस शांत स्थान को चुना, क्योंकि यहाँ से वह आसानी से अपने विश्वास का संदेश फैला सकते थे। वहाँ गुरु जी ने खेती के लिए कुछ जमीन खरीदी, क्योंकि उन्होंने दान की तुलना में अपनी कमाई से जीवन यापन करना बेहतर समझा। उनका परिवार भी करतारपुर शहर में स्थानांतरित हो गया। जो लोग गुरु नानक को सुनना चाहते थे वे वहाँ आते थे। गुरु ने उनसे ईश्वर भक्ति और अच्छे कर्मों के बारे में बात की। गुरु ने सुबह सुबह दैनिक प्रार्थना शुरू की, उसके बाद पवित्र कीर्तन किया और सभी लोग आम रसोई से भोजन लेते थे। इस प्रकार करतारपुर वह स्थान बन गया जहां से गुरु नानक ने अपना संदेश फैलाना शुरू किया। कभी कभी वह लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए आसपास के इलाकों में भी चले जाते थे। करतारपुर में सुनने वालों में पड़ोसी गांव का 7 साल का लड़का रामदास भी था, जो हर रोज प्रार्थना में शामिल होता था। एक दिन गुरु जी ने लड़के से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी उम्र के लड़कों को खाना खेलना और सोना पसंद है, लेकिन तुम रोज प्रार्थना करने आते हो। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा है? युवा लड़के ने उत्तर दिया, गुरु जी, एक दिन मेरी माँ ने मुझसे आग जलाने के लिए कहा। मैंने लकड़ी के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों के ऊपर रखा और आग जलाई, लेकिन छोटे टुकड़ों ने बड़े टुकड़ों से बहुत पहले आग पकड़ ली और पूरी तरह जल गए। मैंने सोचा कि मौत किसी भी समय आ सकती है और बड़े लोगों के बजाय छोटे लोग जल्दी मर सकते हैं। उस दिन के बाद से मैं पवित्र गायन सुनने के लिए रोजाना आता हूँ। गुरु प्रसन्न हुए और बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है, समुद्र में मछलियाँ तैरती रहती हैं। प्रसन्न इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ कि मछुआरा कब और कहाँ उसे खत्म करने आ सकता है। इसके जीवन के लिए सचमुच भगवान की इच्छा प्रबल है और मनुष्य यहाँ असहाय है। फिर लड़के को संबोधित करते हुए गुरु ने कहा, तुम्हारे युवा कंधों पर एक दूल्हा सिर है। तब से युवा लड़के को बाबा बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा बुद्धा बहुत दीर्घायु थे और गुरु के भक्त सिख थे। बाद में बाबा बुद्धा जी को 1604 ईस्वी में हरमंदिर साहिब अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के समय उनका पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया। जन्म साखी सुनने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।